अभी हम आप कुछ ऐसे पॉइंट पर डिस्कस करेंगे जो इसके बाद आते हैं लास्ट में, जैसे कि हम लोग डिस्कस करते हैं एक टॉपिक पे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड। तो ये है अपना डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड, तो आप इसे कोई एक, ये हेडिंग नहीं है, ये एक टाइप का आपकी न्यूमेरिकल अप्रोच है, ये समझ के आप पढ़ें जो है। अगर ये ऐसा फार्मूला होता तो मैं उसी फार्मूले के साथ इसे डिराइव कराता जो है, लेकिन मैं आपको ये एक न्यूमेरिकल अप्रोच जैसा सिखाना चाहता था। तो देखिए, आपने स्टडी किया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है कि टी टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता था, अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू होती थी तो आपने जो है निकाला था, और उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तो आपने उस समय जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट फाइंड किया था वो था s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसा था, ठीक है। टी टाइम में और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चले तो ये जो है यही डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है जो है, ओके। तो अब आप ऐसा मान लीजिए कि टी टाइम में अगर ये एस चलता है, इसका मतलब ये जो हुआ ये क्या है, एस टी है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन टी सेकेंड, तो क्या हो गया, एस टी इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसी प्रकार आप लिखेंगे, देयरफॉर सिमिलरली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टी इक्वल्स टू एन सेकेंड इज क्या हो जाएगा, एस एन इज इक्वल्स टू यू एन प्लस वन बाय टू ए एन स्क्वायर। ये अपना इक्वेशन हो गया, और हमें क्या फाइंड करना है, nth कैसे आएगा। अगर हमारे पास n सेकेंड, nth का मतलब होता है, पहले आप समझ लें nth का यहाँ पर क्या मीनिंग क्या है जो है। तो जैसे कि आप जो है अक्सर क्या देखते हैं कि कहता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 8th सेकेंड, मतलब कि अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट 10 सेकेंड तक चला तो उसके किसी सेकेंड से मतलब नहीं, सिर्फ 8th सेकेंड में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, ये इस तरह का टॉपिक है ये जो है। तो जो ये nth है ये किसी एक पर्टिकुलर सेकेंड में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की ऑब्जेक्ट ने, यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन आपको देना है जो है, ओके। तो यहाँ पर हो गया जो है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन n सेकेंड, और वो कैसे आएगा, अगर हम आप क्या निकाल दें, पहले 8 सेकेंड की डिस्टेंस निकाल दें और 7 सेकेंड की निकाल दें, 8 सेकेंड में जितना चला और 7 सेकेंड में चला, 8 डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 8 सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 7 सेकेंड, माइनस कर दें तो क्या बचेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 8th सेकेंड। ठीक वैसे nth सेकेंड को फाइंड करने के लिए पहले हम क्या निकालते हैं, n सेकेंड, फिर इसके बाद n माइनस 1। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन
टी इज इक्वल्स टू एन माइनस वन सेकेंड इज गिवन बाय क्या हो जाएगा एस एन माइनस वन एस एन माइनस वन इज इक्वल्स टू यू एन माइनस वन प्लस वन बाई टू ए एन माइनस वन ऑफ होल स्क्वायर. थोड़ा इसे सॉल्व कर लेते हैं. ये हो गया यू एन माइनस यू प्लस वन बाई टू ए एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन. तो ये हो गया यू एन माइनस यू और प्लस वन बाई टू ए वन बाई टू ए एन स्क्वायर प्लस वन बाई टू ए ओके माइनस ए एन माइनस ए एन. तो ये तो हो गई इसकी वैल्यू. तो ये हो गया एस एन माइनस वन. देयरफॉर फाइनल लाइन आपकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड इज क्या हो जाएगा एस nth इज इक्वल्स टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन. तो दोनों की वैल्यू रख देते हैं. अभी दिख जाएगा कि क्या क्या कैसे हैं. तो एस एन की वैल्यू क्या है यू एन प्लस वन बाई टू ए एन स्क्वायर. अब ये माइनस ये सारी की सारी वैल्यू माइनस में मीन्स माइनस ऑफ यू एन प्लस यू माइनस वन बाई टू ए एन स्क्वायर माइनस वन बाई टू ए और ये माइनस माइनस प्लस ए एन ओके. तो देखिए क्या हो गया वन बाई टू ए एन स्क्वायर से वन बाई टू ए एन स्क्वायर कैंसिल और यू एन से यू एन कैंसिल. बच गया क्या रिमेनिंग इज हाँ बचा ये यू और माइनस वन बाई टू ए प्लस ए एन. इसे हम आप नोट कर सकते हैं u और प्लस ए एन यू प्लस ए एन माइनस वन बाई टू ए. तो अगर हम आप यहाँ से वन बाई टू ए कॉमन ले लें तो मीन्स u प्लस वन बाई टू ए मैं इन दोनों में से कॉमन ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा वन बाई ए बाई टू मैंने कॉमन कर लिया और ये हो जाएगा जो है ए बाई टू कॉमन कर रहा हूँ तो ये हो गया टू एन माइनस वन. तो यही आ गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन एस एन एथ एन एथ इज इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन. ये है फाइनल डेरिवेशन ओके. तो ये आ गया जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड. आप एक बार फिर से इसके फार्मूले को देखें क्या आ गया एस एन एथ इज इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन. ये है जो है ठीक है. तो इस पर हम कई डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल भी आते हैं उसे भी देख सकते हैं जो है ठीक है. तो देखिए कि आप इसे कॉपी कर लीजिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड. ये हो गया जो है
ओके, देखिए नेक्स्ट, अगर एक न्यूमेरिकल इस पर हम लोग देखें जो है, नोट कर लीजिए इसको, क्वेश्चन है ठीक है, क्वेश्चन देखिए, ओके क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अ बॉडी अंडरगोज अ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। क्वेश्चन नोट कीजिए, अ बॉडी अंडरगोज यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड इज 25 मीटर पर सेकेंड। Its velocity after 5 seconds is 25 meter per second is 25 meter per second and after 8 seconds it is 34 meter per second and after 8 seconds it is 34 meter per second okay। तो कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड इन 12 सेकेंड। तो कह रहा है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 12 सेकेंड। ओके, तो ये है क्वेश्चन आपके लिए। तो अब आप न्यूमेरिकल को ध्यान से देखिए और उस पर अपने माइंड को फोकस कीजिए कि जो अभी भी आपने डेरिवेशन निकाला, ये डेरिवेशन आप तब फाइंड कर पाए कि जब वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा था। तो यहाँ भी है, उसने उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी थी, यहाँ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बताया है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, लेकिन दिया नहीं है ए की वैल्यू क्या है, मतलब आपको यू भी निकालनी है और ए भी निकालना है। तो इसके लिए हम आप क्या करेंगे, पहला काम होगा कि अ बॉडी अंडरगोज यूनिफॉर्मली, हम आप मान लेते हैं कि let initial velocity of the object is u and uniform acceleration is a. okay, therefore अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, फर्स्ट कंडीशन कह रही है कि अ बॉडी अंडरगोज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड।
मतलब कि टी इक्वल्स टू 5 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 25 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि वी इक्वल्स टू यू प्लस एटी, वी की वैल्यू कितनी 25, यू कितना पता नहीं तो हमने मान लिया है यू है, प्लस ए और टाइम कितना है 5। ये हो गया एक इक्वेशन नंबर वन। एंड सेकेंड कह रहा है कि एंड आफ्टर 8 सेकेंड, टी इक्वल्स टू 8 सेकेंड के बाद इसकी जो वेलोसिटी हो जाती है 34 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो फिर वही जो है 34 इज इक्वल्स टू इनिशियल टू यू प्लस ए टी, मतलब 8a या ए इंटू 8, ये हो गया, ये हो गया सेकेंड। तो अगर हम आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को, इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दें तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे ही ए की वैल्यू मिल जाएगी तो ए की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देंगे इन दोनों में से, तो हमें यू की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, हम टू में से वन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये हो गया 34 -25 इज इक्वल्स टू यू प्लस 8a माइनस यू माइनस 5a। ओके, तो ये कितना हो गया, 9 इज इक्वल्स टू यू से यू कैंसल, यहाँ ये कितना हो गया 3a, देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हमें ए की वैल्यू मिल गई तो अब हम आप जो है किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में रखकर यू की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन वन। वन क्या कह रहा है, वन इज 25 इज इक्वल्स टू यू प्लस ए की वैल्यू कितनी हो गई 3, मतलब 3 इज मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये हो गया 25 यू प्लस 15, और यू इज इक्वल्स टू 25 माइनस 15 इज इक्वल्स टू, कुल मिलाकर यू इज इक्वल्स टू कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमें ए और यू की वैल्यू पता चल गई तो फिर हम वो nth सेकेंड वाला फार्मूला लगा सकते हैं ना, देयर फोर या हेंस हेंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन 12 सेकेंड इस क्या हो गया, एस 12 इज इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1, ये क्या था एस एन एस, देयर फोर एस 12 इज इक्वल्स टू यू, यू की वैल्यू कितनी आ गई 10, ए की वैल्यू कितनी आ गई 3 बाई टू 2 इंटू 12-1, ये हो गया 10 और ये आ गया 24-123, तो ये हो गया 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 23, तो ये कितना हो रहा है 10 प्लस, ठीक है ये हो गया 44.5 मीटर, ये है S12 की डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 12 सेकेंड में क्या आएगा, तो यही हो जाएगा, ठीक है ये हो गया, ये कैलकुलेशन देख लीजिए। तो यही कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 12 सेकेंड, 12 सेकेंड में कितनी हो गई 44.5 मीटर आ गया जो है।
ओके, तो ये है, ये रहा न्यूमेरिकल, आप इसे ध्यान से समझ लें। पहला काम आपने क्या किया, पहले इक्वेशन को क्लियर किया, फिर v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी अप्लाई किया, फिर आपको ये मिला वन। सिमिलरली सेकंड में भी वैसे किया तो आपको सेकंड मिल गया। फिर इन दोनों को आपने सॉल्व कर लिया लाइक इट्स अ लीनियर इक्वेशन, कैसे भी करके आप सॉल्व करें, मैंने तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू रख दिया, सब्ट्रैक्शन मेथड यूज किया, फिर हमें u की वैल्यू मिल गई और फिर हमने फाइनल फार्मूला लगा लिया u प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। ओके, तो ये हो गया जो हम ठीक है। अब हम आप जो है ये देखते हैं जो है कि मीन्स क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। ओके, देख लेते हैं कोई अच्छा सॉल्व एग्जांपल हो तो उस पर भी डिस्कस करते हैं, और नहीं तो फिर आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा देते हैं जो है। तो एक न्यूमेरिकल रहा इसका ये एग्जांपल 8.5, सॉल्व एग्जांपल 8.5, सॉल्व एग्जांपल 8.5। तो आप सॉल्व एग्जांपल 8.5 को देखिए, कह रहा है ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेंड्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट, एज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेंडिंग दिस वेलोसिटी। ओके, तो क्वेश्चन काफ़ी इजी है आपके लिए क्योंकि आपने काफ़ी अच्छे लेवल पे स्टडी की है, तो आपके लिए अभी ये सब न्यूमेरिकल काफ़ी सिंपल हो गए। तो देखें ये कह रहा है कि अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मींस यू इज इक्वल्स टू क्या हो गया जीरो, एग्जांपल 8.5 एट पॉइंट, सॉल्व एग्जांपल 8.5 एनसीईआरटी क्लास नाइन्थ। ओके, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेंड्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, तो ये वेलोसिटी कितनी अटेंड करती है 72 किलोमीटर पर आवर, मींस 72 इज मल्टीप्लाइड बाय 5 बाय 18 कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब कहता है कि एज्यूम दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म फाइंड द एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा इन 5 मिनट वो टाइम भी दे रखा है कि ये जो हुआ टी इज इक्वल्स टू 5 मिनट में हुआ, तो ये कितना हो गया सिर्फ 1 मिनट में 60 सेकंड, 5 मिनट में कितने हो गए 300 सेकंड्स हो गए। देयरफॉर एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो फाइनल कितनी वेलोसिटी है 20 माइनस 0 अपॉन 300, ये हो गया 20 बाय 300 means 2 and ja ye 15 1 by 15, therefore a is equals to 1 by 15 meter per second square, a ek answer ho gaya। second part mein aapko kehta hai कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेंडिंग दिस वेलोसिटी, इस वेलोसिटी को अटेंड करने के लिए उसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल की, तो ये पार्ट ए और ये पार्ट बी। अच्छा आप खुद सोचिए कि आपके लिए यू और वी पता हो, यू वी पता हो तो आपको सबसे आसान कौन सा होगा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड किससे निकालेंगे, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उससे भी लग जाएगा, और एस ये वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। हम आप इसे क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए जो है यू क्या हो गया है जीरो, एक पोर्शन ही जीरो है,
तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये 0 प्लस 2 ए, ए की वैल्यू कितनी हो गई 15 इंटू एस, देयरफोर एस इज इक्वल्स टू 20 ऑफ होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 15 बाई 2, ये कितना आ गया 400 इंटू 15 बाई 2, ये कितना हो गया 200, मल्टीप्लाई किया ये हो गया 3000 मीटर और एस इज इक्वल्स टू 3 किलोमीटर। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल काफ़ी अच्छा था, आपने देखा कि इसका अप्रोच क्या था कि उसने पहले आपको इस इनिशियल वेलोसिटी जीरो दिया, फाइनल वेलोसिटी दिया और आपको एक्सेलरेशन के लिए किया, जिसमें आपने फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन अप्लाई किया क्योंकि वी और यू पता था, टाइम भी पता था, तो आपने आसानी से 1 लगा लिया। फिर बी पार्ट में दोनों से आ जाता है, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब बस टी स्क्वायर में क्या होता है कि 300 का आपको स्क्वायर करना पड़ता जो है, और ये थोड़ा उससे आसानी से सॉल्व हो गया जो है। ओके, तो नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। ठीक है, द डिस्टेंस कवर्ड, बिल्कुल वैसे ही है जो है। ठीक है, तो यहाँ एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। एंड नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या कहता है कि द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन, इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम। ओके, तो देखिए जो है आपके लिए ये भी न्यूमेरिकल काफ़ी इजी है, बशर्ते आप न्यूमेरिकल को जब क्लियर ना हो तो उसे बार बार पढ़ते रहिए और उसे रीड करते करते समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ही आप न्यूमेरिकल समझ जाएंगे तो फिर आप सॉल्व कर लेंगे जो है, क्योंकि आपने थियोरी बहुत अच्छी स्टडी कर ली है, मेन पार्ट होता है थियोरी का। थियोरी अगर आपको क्लियर हो गई तो न्यूमेरिकल 50% वैसे ही क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि उसी थियोरी से ये न्यूमेरिकल बनाए जाते हैं। ओके, तो देखिए कह रहा है कि द ब्रेक अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6, मतलब एक्सेलरेशन जो यहाँ है ये है एग्जांपल 8.7, ए इज इक्वल्स टू -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं हम इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप, मतलब कार ने क्या टाइम लिया, टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड में कार स्टॉप हो जाता है आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम। तो हमें आपको क्या निकालना है, एस इज इक्वल्स टू वाट ड्यूरिंग दिस टाइम। अगर हम आप यहाँ पे देखें ध्यान से कि अगर हम आप डायरेक्ट क्या लगा दें, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो फिर यहाँ यू अब्सेंट है, हम डायरेक्ट इसे अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब हमें यू चाहिए एक बात। और दूसरी बात जो है कि अगर यू निकालना है तो यू के लिए हमें कौन सा इक्वेशन लगाना पड़ेगा, फर्स्ट देयरफॉर वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अच्छा, अब ये कार की बात कर रहा है, कार जैसा कि मैंने थ्योरी में डिस्कस किया है कि कार क्या होता है, ब्रेक अप्लाई करने के बाद एट लास्ट में क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, मतलब फाइनल वेलोसिटी उसकी, यहाँ पर आपको यही है, यही पता करना है कि फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है। ये थियोरी में है, हिडन है, बस आपको रीड करके क्लियर करना है कि अगर कोई कार जो है ब्रेक अप्लाई होता है और वो इतने सेकंड में स्टॉप होती, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो बस ये 0 हो गई, ये यू हो गया माइनस
सिक्स इंटू टू, देयर फोर यू इज इक्वल्स टू कितना हो गया 12 मीटर पर सेकेंड. ओके यू इज इक्वल्स टू 12 मीटर पर सेकेंड. देयर फोर एस इज इक्वल्स टू